ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, हंगरी करके एक कंट्री है उसकी आर्मी में था, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीत चुका था, और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। सब कंफर्म था, मतलब सब सेट हो चुका था, और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड, सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया, कट गया हाथ, और इतने बुरे तरीके से गया कि दोबारा कभी नहीं आया। मतलब सब खत्म, जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म, रातों रात खत्म। उसकी जगह कोई भी और होता हम में से तो क्या करता, क्या करता, सरेंडर कर देता, या सारा ब्लेम उठा करके भगवान पे डाल देता, भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में, कैसे कर सकते हो कि मेरे जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना, एक ही फोकस, मैंने सब कुछ सही किया और लास्ट मोमेंट पे जब मैं वो करने ही वाला था अपने सपने को सच, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया, और रोने लग जाता, और दुनिया उसको समझ जाती। जब वो जाता और जाकर के रोता तो उसको 10 कंधे मिल जाते सर रखने के लिए, कि हाँ 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 हम समझ सकते हैं तेरे साथ क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं तेरे पे क्या बीत रही है। जैसा होता है हा? हम चले जाते हैं और कंधे ढूंढने लग जाते हैं कि हम गए और जा करके और वो लोग वो करते, लेकिन ये था औरों के लिए, कैरली के लिए नहीं, उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास 2 रास्ते थे, एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, जहां भी जाए लोग इसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी बात करते रहे, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। वो जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में, एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था, तो शूटिंग क्या करता, कितनी दूर की बात है, एक इल्यूजन था, रियलिटी नहीं थी, इल्यूजन था, भ्रम था। अगर उस टाइम पे उसने किसी को बोला होता हम में से आकर के कि मेरा ये राइट हैंड चला गया जिसपे मैंने सालों से मेहनत करी है, और अब मैं लेफ्ट हैंड से जिससे मैं लिख भी नहीं सकता उससे मैं गोल्ड मेडल जीतने वाला हूं, या इसको, इस हाथ को मैं अपने वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने वाला हूं, तो हम क्या कहते, तो पागल हो गया, पागल हो गया, नहीं हो सकता। लेकिन उसने वेट नहीं किया, उसको परवाह नहीं थी, उसको कोई कंधा नहीं चाहिए था रोने के लिए, उसने अपना सारा फोकस उठा करके यहां डाल दिया। और सही 1 महीने बाद, 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए, 1 महीने बाद हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। सही 1 महीने बाद उसको दर्द हो रहा था अभी भी यहां पे, क्योंकि ये हाथ जा चुका था, और यहां पे दर्द है, बुरी हालत, पेन, ऊपर से लेफ्ट हैंड जिसमें इतनी पावर नहीं थी उसको ट्रेन करने का दर्द, 0 से शुरू करने का दर्द। लेकिन उसने वहां पे कहीं पे फोकस नहीं किया, उसने फोकस किया सिर्फ एक गोल पे, जो था कि मेरे को अपने इस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और उसने अपना सारा फोकस उठा करके वहां डाल दिया। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया, नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर, उनके पास आ गया, और जैसे ही उन लोगों ने इसको देखा वो चौंक गए पहले तो, फिर बड़े खुश हुए, उन्होंने जा करके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, वो सीक्रेट में कर रहा था, मतलब सीक्रेटली कर रहा था, किसी को बताया नहीं था उसने, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो लोगों के अजीब से रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है उन रिएक्शन की, छोड़ो ना। उसने फोकस किया और उसने जवाब दिया बाकी सब लोगों को
जो उसे हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे, कहता मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ दम है तो लड़ो। और कॉम्पिटिशन हुआ, बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, दोनों में से जो बेस्ट हैंड था उससे कॉम्पीट कर रहे थे, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया, नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, फोकस बिल्कुल क्लियर था, बहुत लाइमलाइट मिली, बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, पूरी दुनिया में उसके बारे में बातें होने लग गई कि एक आदमी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अब आकर के देखो उसने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। कोई भी और होता उसका दिमाग खराब हो जाता, चार जगह टीवी इंटरव्यूज में चला जाता, यहां चला जाता, वहां चला जाता, मीडिया में, यहां पे, वहां पे, दिमाग खराब होने में एक सेकंड लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने में एक सेकंड लगता है, फोकस हटने में एक सेकंड लगता है, मतलब वो सेलिब्रिटी बन जाता, वहां के बिग बॉस में चला जाता। यह कौन सा आता है, नच बलिए, वहां चला जाता और जाकर के डांस करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे, कि 1940s में जो ओलंपिक्स होंगे वहां पे मैं जीतूंगा। और पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि ये ही जीतेगा, क्योंकि उस टाइम उसकी एज भी सही थी, सब कुछ सही था और वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, कैंसिल, उसका सपना खत्म। क्योंकि स्पोर्ट्स में एज का बहुत बड़ा फैक्टर है, एक पीक स्टेट बोलते हैं किसी भी एथलीट की, वो पीक स्टेट एक एज में जाकर के अचीव हो जाती है, उसके बाद में धीरे 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 वो नीचे आने लग जाते हैं। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक होता चला जाता है, मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में, था ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज वेज के फंडे औरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया, 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। फिर उसने हार नहीं मानी, उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स, 38 साल। और वो किससे कंपीट कर रहा था, अपने लेफ्ट हैंड से। लेकिन वो गया और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कंपीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कंपीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। जीत गया और पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक इल्यूजन जैसा था जो रियलिटी बन चुका था, सिर्फ एक आदमी के फोकस करने की वजह से। उसने फोकस किया अपनी ड्रीम पे और वो सच हो गया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। लेकिन वो तब भी नहीं रुका, 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली दोबारा जीत गया, 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे, और किसने जीता?